हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रगड़े ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग फिर से लोबा जा रहे हैं और आज का दिन तीन गो चीज़ें बताइए। पहला है 2 अक्टूबर, उसी दिन अमावस्या पड़ रहा और इसी दिन महालया भी है, इसी दिन भी महालया। तीनों चीज़ें बहुत ही मजा आने वाला है और हम लोग फिलहाल इस बार बाइक से जाने वाले हैं। इस बार हम लोग शायद बाइक से जाएंगे, अच्छे वाला ब्लॉग बनाएंगे, इसीलिए हम लोग सोचे कि बहुत दिन का बाद लॉन्ग ब्लॉग बनाया जाए। और शॉर्ट वीडियो तक भी कंटिन्यू चल ही रहा है, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी जाके देख सकते हैं आप। बहुत ही धासु धासु है और आपका इसी आपका प्यार आशीर्वाद मेरे पे बने रहे। तो लेट्स गो, कैसे ट्रेवल होता है वो भी हमारे साथ कंटिन्यू पे बने रहे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं फिलहाल तेल भराने के लिए आ चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल भराने के लिए। तो गाइज हम लोग 150 रुपये का तेल भराएंगे और हनाना के क्या ही बताया, आप देख सकते हैं 150 रुपये का तेल हम रापची स्टाल से भरा गया, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा तेल मिला और बगल वाला भैया तो इतना रापची स्टाल से हंस रहा, क्या ही बताया, मज़ा आ गया। ये देख रहे हमारे मालिक मालिक पूरा सीधा छोड़ के देख रहे हैं। गाइस हम लोग तेल भरा लिए और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर ही और चार रास्ते में क्या होता नहीं होता वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइज अभी फिलहाल दुबराजपुर घुसने ही वाले हम लोग, ये देख सकते हैं बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है। तो गाइज रास्ता में मिल गया हमारा नेचुरल एकदम प्राकृतिक वाला एकदम जानवर, पास पहुंच चुके हैं और बाबू को कुछ दही खाने का मन कर गया तो होटल में गया देखने, हम लाले बाहर बैठे रहे खाने का, हम लोग इधर से साइड। हां गरम कर लीजिए, मजा इन सब भैया, फिर गरम गरम इसके ले ले तो ले लीजिए। यहां से हम लोग यहां पहुंचने वाले हैं, यहां से कुछ देर आगे जाएंगे, ये रहा पाचरा का बाजार या बस स्टैंड। गाइस दौड़ कर लेके आज जंजीरा कर दी के लिए बाबू के लिए, जंजीरा दे दीजिए तो दो पीस ब्लॉग। तो गाइस ले लिया जंजीरा बाबू के लिए, क्या क्या निकलना पड़ा बताओ, जंजीरा भैया तो मत स्पाइट खोले तुम धंधा। वही तो, इतना छोटा रास्ता में इतना बड़ा बस घुसा दिया, वो भी सुपर नाम दे रहा सुपर क्या बात है, इसी को बोला हैवी ड्राइवर ना भैया, नहीं छोटा मिनी हटिया ना। लोबा माँ का विसर्जन जो तालाब में किया जाता है वो आपको दिखाते हैं, बस आने वाला है, यही वो तालाब है जिसमें लोबा माँ का विसर्जन किया जाता है और उनका अस्थि यही है ना भैया, वो तो है हाँ। जो विसर्जन होता है ना बाप रे बाप, इतना खतरनाक भीड़ चारों तरफ तालाब में, खाली मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है खाली वही जल रहा है विसर्जन, और अभी फिलहाल पहुँच ही गए हैं और यहाँ पर मेला बैठा है, यही वो ग्राउंड है, फाका फाका लग रहा है, बैठे के ना तो लग रहा कि कितना बड़ा है मेला, और ये रहा रास्ता सीधा लोबा माँ का मंदिर का दर्शन कराते हैं हमारे यहाँ।
तो फाइनली गाइस हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रहा मंदिर और यहाँ पर थोड़ा बहुत भीड़ है क्योंकि आज अमावस्या इसीलिए। और ये हम लोग कीर्तन भी देखें थोड़ा बहुत, अभी फिलहाल पूजा करेंगे उसके बाद कीर्तन देखेंगे। कीर्तन का मजा ही ले रहे थे तब तक अपन को घर के वास्ते बुलावा आ गया भैया रहा मामाबाड़ी भैया का घर। हम लोग ये घर घुस चुके हैं, अब चलते हैं पूजा का घर जहाँ पर पूजा का थाली एकदम तैयार किया जाएगा। फिलहाल हम लोग आ गए हैं पूजा का घर, और पूजा घर में यहाँ पर देख सकते हैं पूजा का थाली रेडी हो रहा है। ये रहा पूजा का मस्त मिट्टी का घर, एकदम नेचुरल वाला, गांव का याद आ गया क्या ही बताएं। पर हम लोग प्रसाद वाला थाली लेके निकल चुके हैं मंदिर, मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ था क्या ही बताएं। और ये बाबू बार बार अपने माँ को परेशान करे, देखिए बारह मंदिर पे चढ़ने चाह रही, इसका माँ मना करे कि मत चढ़ो मत चढ़ो, लेकिन फिर भी ये बात नहीं मान रही है। लेकिन इतना क्यूट लग रहे थे क्या बताएं, इसको डांटने भी खराब लग रहा था इसका मम्मी। और ये हमारा बाबू है और ये भैया है आपको दर्शन कर प्रसाद का। और ये जो बासु है ये बाबू है, बाबू हमको देख के कंफ्यूज हो रहा कर का ना ही वीडियो में। फिर कोई नहीं, अभी शर्मा गया, अब फेस उधर घुमा लिया, कोई नहीं। तो गाइस हमारा लोबा माँ का प्रसाद आ चुका, खिचड़ी और पायस मस्त एकदम प्रसाद को ग्रहण किए दही दिन से। और इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था क्या है वो, तंद्रा मुँह है जल गया खाते खाते। देखिए खाएं प्रणाम करके उसके बाद स्टार्ट। ओ भाई इतना खतरनाक एक्सप्रेशन कि मुँह है जल गया, और बेजोड़ का भूख भी लगा था, मज़ा ही आ गया। पीछे वाला भाई भी टनटना गया, मैं देख के क्या ही बताए। गाइस सबसे पहले मेरा खिचड़ी हो गया पूरा सपाट, देख सकते हैं भैया बाबू लपेट के रहा है। ये देखिए मेरा पूरा खिचड़ी सपाट हो गया, और ये रहा बाबू का खिचड़ी, ये देखिए मुँह उसका दिखाओ इधर। और ये रहा भैया, भैया का तो पूरा रात चिक्सटा से लपेट लेंगे अभी तक दोबारा आ गया, पर हम लेंगे नहीं क्योंकि मेरा पेट भर गया। जब अपन शाम को 4 बजे निकला तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया, आप देख सकते कितना कच्चा कच्चा चारों तरफ से भीड़ लग गया था, एकदम पूरा जाम हो गया, जा ही नहीं पाए थे। फिर कैसे कैसे करके वहाँ से निकले हम लोग हनाना के गाड़ी से, टपाटक करके मज़ा आ गया, टनटना आ गया, मैच क्या ही बताएं। फिर भी आगे जाने पर फिर दोबारा ट्रैफिक जाम हो गया, बताएं ये भी तो गजब की बात है, हर बार ट्रैफिक जाम हो जा रहा लेकिन हम जा नहीं पा रहे। फिर कोई नहीं, फाइनली हमारा लास्ट में ट्रैफिक हो गया क्लियर, फिर मस्त निकल गया एकदम हनाना के गाड़ी से, दूर से हनाना के लेके आए, लेके यहाँ से यहाँ पर फाटक का दर्शन हो गया, सब टाइम वेस्ट हो गया। देखिए कब खुलता है, धीरे धीरे जाम लग रहा ना। गाइस प्यास लग गया बहुत बेजोर, 1 लीटर ठंडा पानी ले लें, बहुत दूर तक आना पड़ा सर, बहुत दूर जाना है आगे पहले वो भी पानी के लिए।
माँ ने मेरे लिए चाय बना दी एकदम लाल वाला, ये देखिए, और बिस्कुट भी है। कितना मेहनत करेगी काकी माँ हमारे लिए। अल्लू भी ना, ठीक है।